हेलो दोस्तों, ये प्लान 30 फीट बाई 50 फीट के हैं, तो चलिए इसके डिटेल्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ से एंटर करते हैं, आते हैं बरामदा में, जिसका साइज देख सकते हैं। यहाँ से इस ये वाली जो डिस्टेंस है 15 फीट 9 इंच के है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो 12 फीट 10 इंच के हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आते हैं लिविंग में, जिसका साइज देख सकते हैं। यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो 16 फीट 11 इंच का होगा, और इस वाल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो आपको 12 फीट 4 इंच हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, ये स्टेयर का अपर डायरेक्शन है, तो यहाँ पे स्टेयर अप हो जाएगा, तो इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा हॉल, जैसा यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा ये आपको हॉल मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही बात करें दोस्तों, इस यहाँ पे इस बेडरूम का बात करें, तो ये बेडरूम जो 13 फीट, ये वाली यहाँ से डिस्टेंस ये 13 फीट है, और ये जो डिस्टेंस है वो 12 फीट का है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बेडरूम 13 फीट बाई 12 फीट का हो गया दोस्तों। साथ ही बात करें इस स्टेयर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका अप एंड डायरेक्शन है, तो इसका ये जो लैंडिंग वाइथ है वहाँ पे वो 3 फीट का है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दोनों फ्लाइट फ्लाइट के बीच जो डिस्टेंस है वो 4 फीट 2 इंच का है। और बात करें यहाँ पे इस स्टेयर के दोस्तों, यहाँ पे इसका ट्रेड और राइजर का, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल होता है वो ट्रेड होता है, जिसका साइज यहाँ पे 10 इंच देख सकते हैं, और राइजर जो है वो 6 इंच का यहाँ पे रखा गया है। बात करें दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, इस वाल से यहाँ तक जो ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है वो 8 फीट 10 इंच का रखा गया है। और बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है 19 फीट 6 इंच का है, और ये वाली जो डिस्टेंस है 10 फीट 1 इंच का रखा गया है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस बेडरूम का साइज देख सकते हैं, 13 फीट बाई 13 फीट का है, यहाँ से ये 13 फीट, और ये वाली डिस्टेंस भी आपको 13 फीट मिलेगा दोस्तों। इस रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसके अटैच में यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ यहाँ पे एक WC और बाथ है, जिसका साइज देख सकते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है वो 5 फीट का है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो 8 फीट 6 इंच का रखा गया है। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक वेंटिलेटर दिया गया है। और साथ ही आप आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं किचन, जिसका साइज देख सकते हैं 9 फीट 6 इंच, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 9 फीट 6 इंच का है, और यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है वो 8 फीट 6 इंच का है। और यहाँ से आप एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं वॉशिंग एरिया में, तो इसका वेंटिलेशन के लिए, किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दिया गया, और इसका वॉशिंग एरिया का साइज देख सकते हैं 14 फीट 11 इंच, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो 14 फीट 11 इंच है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो 4 फीट 1 इंच का रखा गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बेडरूम की बात करें तो इस बेडरूम का साइज 11 फीट, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 11 फीट है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो 12 फीट का रखा गया है। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपका विंडो मिल जाता है दोस्तों। इस प्लॉट के दोस्तों इसके तीन साइड जो है, इस प्लॉट के तीनों साइड यहाँ पे आपको दूसरा प्लॉट मिल जाता है, दूसरा प्लॉट होता है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी इधर बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे आपको इसके साइड में कहीं पे भी विंडो नहीं दिया गया, इसके प्रॉपर वेंटिलेशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किचन का वेंटिलेशन यहाँ से, इस WC का वेंटिलेशन यहाँ से, और इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाता है, साथ ही इस बेडरूम का वेंटिलेशन यहाँ से, और इस बेडरूम का वेंटिलेशन यहाँ से हो जाता है। बात करें और यहाँ पे दोस्तों इसका सीलिंग हाइट जो होगा, वो 11 फीट का होगा, और बात करें इस WC का थोड़ा सा 1 फीट डाउन इसका सीलिंग हाइट होगा दोस्तों। बात करें इसके प्लिंथ वाल का, तो वो 10 इंच का, और इसके जो सभी बाहर वाली जो दीवार है वो सभी 10 इंच के हैं, और इसके इनर वाल जितने ये सभी वाल जो देख सकते हैं, ये सभी इनर वाल जो है वो सभी 5 इंच के रखे गए हैं। बाकी आप यहाँ से आप दोस्तों डोर और विंडो का साइज यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे कोई डिटेल्स रह गई हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।